नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्यूज एंड रिव्यूज में आपका स्वागत है। तो आज एक पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर है निमरा अहमद, उन्होंने एक पब्लिक रिएक्शन लिया है पाकिस्तान का। उसमें लिखा है यूएस ईगली वेटिंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर बुलेट ट्रेन ऑफ प्योरली मेड इन इंडिया, अर्थात जो इंडिया बुलेट ट्रेन बनाएगा उसी के लॉन्च करेगा यूएसए भी अपने वहां पर। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या है पाकिस्तानियों का, फिर बात करते हैं। हालांकि देखे चीन जो है ना लद्दाख में, आप देखें उसकी वो दूर दूर लड़ाई होती है, चीन हिंदुस्तान को मारता है, बहुत कारोबार तजारत होती है, ट्रेड नहीं बंद हुई, ट्रेड नहीं बंद हुई। असि लैके बैठे हैं कश्मीर नू, कश्मीर मिलना नहीं, इन्होंने पैसे खान का बहाना, इन्हों का यह रिकॉर्ड होना चाहिए सारा कुछ, ये सिर्फ अपना अपना स्टंट चला। कश्मीर में जो यासीन मलिक है उसकी बीवी जो है ये इधर अफसर लगाई है, नहीं बीवी जी ये को है बात, ये सब पैसे खाने का तरीका है, कश्मीर का स्टंट है, फलस्तीन का है, जाओ मारो उन्होंने जाके, किधर जाए सड़कों पर टकरे ना मारे तो क्या करे, मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है। मैंने तो पहले कहा इधर कई आदमी मजाक उड़ा रहे हैं, हम रो रहे हैं, कई मजाक उड़ा रहे हैं, इधर इधर आकर बोले आप आए मेरी जगह पे आए, क्या बीती है इंसान पे, ये आवाम तरक्की के लायक है, कोई तरक्की के लायक नहीं है, ये एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, इधर बात करें करें, सही बात, बाबा ने सही बात बताया। अभी तो वहाँ पर आप खड़े होकर मजाक उड़ा रहे थे कि 5 महीने हो गए हैं, हाँ भारत की तारीफ कर रहे हो तुम, तारीफ कर रहे हैं ना, तारीफ का लाए क्या हो, आगे चला गया पाकिस्तान, क्यों पीछे जा रहे हैं। और क्या क्या उन्होंने किया जो आप तारीफ कर रहे हैं? बहुत कुछ किया, मतलब क्या नहीं किया। अमरीका कह रहा है की भारत की बनी हुई बुलेट ट्रेन हम अमरीका में इस्तेमाल करेंगे, हम अमरीका में चलाएंगे, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखो ये भारत ने खुद तो बनाई नहीं है, उसने भी दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर बनाई, इंडिया प्योरली मेड इन इंडिया, देखे हमने भी तो बनाई है ना, क्या ये हमने ये चाइना के साथ मिलकर बनाई है, चाइना के साथ विद द हेल्प ऑफ चाइना, नॉट मेड इन पाकिस्तान। वहाँ में जज्बा है तो 9 मई को क्या कुछ नहीं किया वहाँ हमने, ये तोड़ फोड़ का जज्बा नहीं चाहिए, आगे बढ़ने का जज्बा चाहिए। मैनचेस्टर सॉरी फैसलाबाद, मैनचेस्टर में इंग्लैंड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, मैनचेस्टर कहते हैं पाकिस्तान का, वहाँ से सब मशीनें उखाड़ के लोग श्रीलंका चला गया है, कोई उधर चला गया, बांग्लादेश चला गया, वहाँ लेबर सस्ती है, बिजली सस्ती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, जाए फैसलाबाद लूमों वाले भूखे बैठे हैं बेचारे मजदूर जो है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निमरा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, और इस वक्त मैं बाजार में मौजूद हूँ पाकिस्तानी आवाम से। आज तरक्की के बारे में सवाल होगा कि 77 साल हो गया है पाकिस्तान को बने और पाकिस्तान स्टिल, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर हम जदीद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो पाकिस्तान इस वक्त किस महाज पर खड़ा है। अभी रिसेंटली एक खबर सामने आती है जिसके मुताबिक हमें ये पता लगता है कि जापान बड़ी डेस्परेटली वेट कर रहा है मेड इन इंडिया की बनी हुई बुलेट ट्रेन का, और अभी तो पूरा काम मुकम्मल नहीं हुआ कि अमेरिका ने बोला कि हमारे मुल्क में मेड इन इंडिया की बनी हुई बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए। इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं और कंपैरिजन करवाते हैं, बढ़ते हैं अवाम की जानिब और देखते हैं कि हमें अवाम क्या रिव्यू देती है। तो अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात के अलावा और कुछ भी नहीं कह सकते, जो हर घर में चूल्हा जला रहा है, वरना कोई हाल नहीं है। अपने ब्रदर मुस्लिम मालिक की बात कर लेते हैं, हाँ जी, वो आपकी मदद के लिए तैयार है? कोई भी नहीं है। क्यों? बस मर्जी उनकी। ऐसी क्या दुश्मनी है हमारे साथ? कोई दुश्मनी भी नहीं है। फिर मजदूर आदमी मजदूर ही होता है ना, गरीब गरीब ही होता है ना, अमीर अमीर के साथ मिलजुल जाता है। हाँ जी, क्या करें, उधर से कर्जा ले लेंगे, कर्जा ले लेंगे, दूसरे दिन किस तरह निकलेगी, बैंक वाले दरवाजे पे बैठ जाएंगे, वो तो फौतगी हुई हो तो बैठे हो तो तभी वो किस्त लेके उठते हैं, हम तो नहीं ये काम कर सकते हैं। अलग वजन किस लिए हासिल किया गया था? कर्जे चढ़ाने के लिए? बिल्कुल हाँ जी, सूद मना किया गया था, वो तो सारा सूद चल रहा है, कर्जा जो है बैंक का जो है वो सूद है, सूद हमारे लिए हराम है, देना भी हराम है, लेना भी हराम है। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान 1947 में बना, तब से लेकर अब तक क्या कोई तरक्की हुई है या सिर्फ कर्ज में ही इजाफा हुआ है? पहले तरक्की थी, अब तरक्की नहीं है। क्या तरक्की थी? पहले 1 रुपए की 4 रोटियां मिलती थी, 1 रुपए की 4 रोटियां मिलती थी, मैंने 1 रुपए के 6 नान लिए हैं अपनी जिंदगी में, 53 साल मेरी उम्र है, 5 रुपए में गरीब आदमी खाना खा सकता था, अब 150 रुपया लगाए, 200 रुपया लगा लो खाना खाए, क्या करे, किधर जाए सड़कों पर टकरे ना मारे तो क्या करे,
ये बात गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। ये फुटो के दौर की बात मैं कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, और किसी को टाइम दे ले। बात तो पूरी करके जाएंगे। नहीं, बात पूरी कर ली हमने, जितनी करनी थी वो कर ली है। मेरी जगह पे और भी कोई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। भाई मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है। मैंने तो पहले कहा इधर कई आदमी मजाक उड़ा रहे हैं, हम रो रहे हैं, कई मजाक उड़ा रहे हैं। इधर आकर बोले आप, इधर आप ही बोल रहे हैं, इधर आए मेरी जगह पे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? देखिए, आवाम, पाकिस्तान की आवाम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो बात ही नहीं करना चाह रही है, क्योंकि रोजी रोटी जो है वही उनके ठीक से पूरा नहीं हो। तो ये क्या बुलेट ट्रेन के बारे में बात करेंगे वैसे का सबका? और कई आवाम तो ऐसे हैं कि जो मानने को तैयार नहीं है कि इंडिया बुलेट ट्रेन बना रहा है, वो बोले जापानीज लोग बना रहे हैं। जापानीज थोड़ी बना रहे, जापानीज फाइनेंस कर रहे हैं और नोहाउ दे रहे हैं, साथ में तो इंडिया मेड इन इंडिया ही बना रहा है। जबकि चाइना का जो हुआ है, चाइना खुद बना के वैगन, यहाँ तक कि इंजन भी चाइना बना के पाकिस्तान को देता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? राय अगर कुछ होगी तो बताइएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।